प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, सांसद आजम खान के खिलाफ चल रहे चार मुकदमों में आज अदालत में होगी सुनवाई। तीन मुकदमे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ हैं दर्ज। अब्दुल्ला पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी पासपोर्ट और फर्जी पैन कार्ड के मुकदमे हैं दर्ज। शत्रु संपत्ति के मामले में जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। आजम खान पर मुकदमे दर्ज कराने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना भी रहेंगे मौजूद। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। बीते सवा साल से सीतापुर जेल में बंद थे आजम खान। कोरोना संक्रमण की वजह से कोर्ट की प्रक्रिया हो रही थी प्रभावित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि शत्रु संपत्ति के मामले में सांसद आजम खान के जमानत अर्जी को लेकर आज यानी सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले की तारीख में सुनवाई टल गई थी। बता दें कि सांसद आजम खान के खिलाफ साल 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने के आरोप में अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस की ओर से चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। आजम खान बीते करीब सवा साल से अधिक समय से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी सीतापुर जेल में ही थे। हालांकि इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान की जमानत हो चुकी है। वहीं आजम खान की पत्नी विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा जेल से रिहा हो चुकी हैं। सांसद आजम खान ने अपने वकील के जरिए जमानत के लिए एमएलए एमएलसी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, लेकिन पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की वजह से ही कोर्ट की प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही थी। इसी के साथ ही आजम खान पर मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे।